मेरा बेटा अमेरिका से सात समंदर पार करके आपकी पति जी से शादी करने आया है ना, तो सुनन तो पहले स्वागत इसी का बनता है। जी तंदी आपकी पति जी है ना, आप जब तो बुलाओ। अरे चाहो तो उसे कितने दिन रख भी लो अपने पास, हम अमेरिका थोड़ा रहते हैं, हम तो यही रहते हैं। आप जब न्योता दो हम हाजिर हो जाएंगे। क्यों? इसीलिए पहले आती पवन जी। एक मिनट से हो रही है। आप देखते हैं कितना कुछ हो रहा है यहाँ पे, इतना दम, इतनी मस्ती, इतना एंजॉयमेंट। पवन की शादी है, कोई मजाक थोड़ा है, पर हाँ ऋषि की भी शादी है तो बहुत अच्छा लग रहा है शादी में एंजॉय करके। वो एक मजाक होता है, रस्म होती है, हर शादी में होती है, ऐसी नोक झोंक जो होती है छोटी मोटी हर शादी में होती है। पर हाँ आज रानू जी के साथ डांस करके बहुत अच्छा लगा। विभा जी बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, मानी हुई आर्टिस्ट हैं, मानी हुई कलाकार हैं। उनके साथ फ्लोर शेयर करना बहुत गर्व की बात है। बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ, मजा आ गया ये शादी देख के। थैंक यू सो मच कसम टीम, थैंक यू फॉर टेकिंग मी इन, थैंक यू सो मच कसम एंड एवरीबडी इन दिस कसम टीम इज फैबुलस, एक्सीलेंट। जी कहते ना कि विभा जी के सामने डांस करना, फ्लोर पे रुकना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मुझे उनको देख के चक्कर आ गए थे, बस इसलिए। ऑडियंस को मैं कहूंगी कि बस देखते रहिए कसम। कसम बहुत अच्छा सीरियल है, हम सब आपको, आपका प्यार चाहते हैं कि आप हमको सब हमेशा प्यार करते रहें। वी ऑल्सो लव यू।